हेलो दोस्तों, आज हम एसएफसी सर्किट ब्रेकर के बारे में जानेंगे। एसएफसी सर्किट ब्रेकर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कहाँ यूज होता है, ये सब जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साइड वाला नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर ले, ताकि आपको ऐसे ही आगे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो पूरा देखिए, अंत तक देखिए, आपको पूरा एसएफसी सर्किट ब्रेकर समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। एसएफसी सर्किट ब्रेकर मींस एक उसमें एसएफसी नाम की एक गैस होती है। ये गैस आर्क को बुझाने के काम आती है। तो SF6 मतलब, S मतलब सल्फर, F मतलब फ्लोराइड और 6 मतलब हेक्सा, मतलब सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। इसको सल्फर हेक्सा फ्लोराइड सर्किट ब्रेकर भी बोलते हैं। तो सल्फर हेक्सा फ्लोराइड सर्किट ब्रेकर विद्युत प्रवाह को बाधित करके विद्युत पावर स्टेशन और वितरण प्रणाली को सुरक्षा देता है, करता है। ये प्रोसेस तब होता है जब प्रोटेक्टिव रिले सिग्नल भेजता है। जब सर्किट ओपन होता है तब उसमें आर प्रोड्यूस होते हैं। उसे बुझाने या ठंडा करने के लिए एसएफसी गैस का यूज होता है। बाकी सर्किट ब्रेकर के मुकाबले ये सर्किट ब्रेकर ऑपरेटिंग के टाइम ज़्यादा आवाज़ नहीं करता और हार्मफुल गैस भी बाहर नहीं निकलता, और इसका मेंटेनेंस भी लो होता है। एसएफसी सर्किट ब्रेकर वैकअप रूप से 800 kV तक ट्रांसमिशन वोल्टेज पर ग्रिड में उपयोग किया जाता है, एक जनरेटर सर्किट ब्रेकर के रूप में, और 35 kV के वोल्टेज पर वितरण प्रणाली में यूज होता है। एसएफसी सर्किट ब्रेकर को आउटडोर एयर इंसुलेटेड सबस्टेशन में सेल्फ कंटेंट ऑपरेटर्स के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, या गैस इंसुलेटेड स्विच गियर में भी शामिल हो सकता है, जो हाई वोल्टेज पर कॉम्पैक्ट इंसुलेशन की अनुमति देता है। अब इसका ऑपरेशन देखेंगे। ऑपरेशन सिंपल है। हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर में दो कॉन्टैक्ट्स को सेपरेट करके करंट को बहने से रोका जाता है। जब कॉन्टैक्ट्स को सेपरेट करते टाइम उसमें आर प्रोड्यूस होती है, उसे ठंडा करने के लिए एसएफसी गैस का यूज होता है। क्योंकि गैस में अच्छी डाइइलेक्ट्रिक और आर क्विंचिंग प्रॉपर्टी होती है, एसएफसी गैस इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। कॉन्टैक्ट्स एसएफसी गैस के हाई प्रेशर में ओपन किए जाते हैं और गैस कंडक्टिंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स को सोख लेती है। इससे आर्क को बुझाने में मदद मिलती है। चाप पर लगाए गए एक गैस विस्फोट को तेजी से ठंडा करने में सक्षम होना चाहिए, ताकि कॉन्टैक्ट्स के बीच गैस का तापमान 20,000 के से घटकर 2,000 के में कुछ 100 सेकंड में कम हो जाए, ताकि यह क्षणिक रिकवरी वोल्टेज का सामना करने में सक्षम हो, ताकि करंट के रुकावट के बाद संपर्कों में लागू किया जाए। SF6 आमतौर पर 52 kV से अधिक के रेटेड वोल्टेज सर्किट ब्रेकर में यूज किया जाता है। ये SF6 सर्किट ब्रेकर था, उसके बारे में हमने सब कुछ जाना, ऑपरेशन, वर्किंग,
उसका स्ट्रक्चर और उसका क्या क्या यूज होता है सब जाना। अब उम्मीद करता हूँ आपको ये सब जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज़ कमेंट कर देना ताकि मैं उसके अच्छे से आंसर दे सकूँ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और दोस्तों को भी शेयर कर देना। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू गाइस। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर भी कर देना।